तो इसका पेट्रोल खत्म हो गया था और इसको भी आइसक्रीम चाहिए। दे नॉट एंडिंग ऊपर से भैयाजी स्लो दिख रहा है। तो गई है ना कि हिलता हुआ शरीर ऊपर चढ़ने से पहले मैं ऊपर जाना है हमें उस चोटी पे। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थाईलैंड सीरीज। और आज हूं मैं क्राबी में और आज बीच नहीं देखने भाई, आज देखने कोई नई लोकेशन जैसे कि टाइगर केव टेम्पल। आज मैं वहां जा रहा हूं, बहुत सुना उसके बारे में कि बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं ऊपर पहुंचने के लिए, तो चढ़ जाएंगे ना भाई? भाई बहुत तेज धूप हो रही है इसलिए अच्छा मैंने सनस्क्रीन लगा ली, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले तो एक स्कूटी उठा लेते हैं पहले चल के, क्योंकि आज स्कूटी की जरूरत पड़ने वाली है, 18-20 किलोमीटर जाना है। तो रोड पार देखो, सामने ही स्कूटी वाले की दुकान है, तो यहाँ से टेंट पे लेनी है, बस पार करते हैं। भाई ये देखो स्कूटियाँ रखी हैं, इनमें से चूज़ करना है, मेरे को लग रही है ये ब्लू वाली बढ़िया, तो मैं तो ये ब्लू वाली उठाऊँगा, बढ़िया लग रही है, कलर वाला नहीं लग रही है। तो ये वाली स्कूटी ले ली और एक बार स्कूटी पे पूरी अच्छी तरीके से नज़र मार लेते हैं, ताकि कोई डेंट वगैरह कोई डैमेज हो तो पहले से दिखा सके। बिल्कुल नई स्कूटी है वैसे तो, और 200 baht पड़ा इसका मुझे रेंट, 200 baht। भाई कराबी की सड़कों पे ना स्कूटी चलाने का मज़ा ही अलग आ रहा है। ये देखो बिल्कुल प्लेन सड़क है, बिल्कुल साफ सड़क है, और सामने ये देखो पहाड़, बिल्कुल सीधे खड़े हैं पहाड़, और इनके बीच में से जब सड़कों के बीच में से स्कूटी निकलती है ना तो अलग ही व्यू आ रहा है यार। यार बाहर ना धूप बहुत तेज़ और प्यास बहुत तेज़ लग रही है, इसलिए एक पानी की बॉटल उठा लेते हैं, बड़ी वाली, ये वाली सही रहेगी क्योंकि बहुत गर्मी है आज। वो देखो बहुत छोटा सा चोटी पे दिख रहा है टाइगर केव टेम्पल, भाई बहुत चढ़ाई है ऊपर तो। चलो कोई नहीं, चढ़ेंगे अब आए तो, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है यार, थोड़ी और आगे चलते हैं। वो देखो इतने ऊपर जाना है हमें उस चोटी पे, भाई बहुत ऊंचा पहाड़ है, और यहाँ पे मैंने नोटिस किया देखो यहाँ पे ऐसे सीधे खड़े पहाड़ हैं, ये तो बहुत ऊंचा लग रहा है यार, ये तो फोटो में इतना ऊंचा था नहीं। चलो फिर कोई नहीं वापस चलते, अरे नहीं चढ़े। तो भाई यहाँ स्कूटी खड़ी कर दी है और अब ऊपर चढ़ेंगे। ये देखो कहाँ ऊपर चढ़ना है हमें, इस पहाड़ के पीछे वाला पहाड़ है यही है, इसके ऊपर अधिक भी नहीं था मंदिर, इतने ऊपर चढ़ना। और बहुत तेज़ धूप हो रही है यार, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है आज तो, हद से ज़्यादा गर्मी है आज। पर देखो पहले देखना है, टिकट है नहीं है ऊपर चढ़ने की, टिकट तो नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं, नहीं है तो फिर चलो ऐसे है तो फिर ले लो। देखो भाई ड्रेस मॉडेस्टली बिफोर विजिटिंग टाइगर केव टेम्पल, मतलब वही है शॉर्ट्स वगैरह में ना जाओ, और 8 से 5 बजे की टाइमिंग है, और इसका असली नाम है वाट थाम सुई। और यहाँ पे देखो एक मंदिर बन रहा है, और पर मेन मंदिर तो ऊपर है, ये अभी इसकी कंस्ट्रक्शन चालू है। द टेम्पल इज बुद्धिज़म्स ऑनरेबल, प्लीज शो योर रिस्पेक्ट बाय ड्रेसिंग नियर। और यहाँ की कोई टिकट नहीं है, फ्री एंट्री है बिल्कुल। स्ट्रेट गो अप द हिल, लेफ्ट में है, गिव द ऑफरिंग डेडिकेटेड टू द मॉन्क्स, विजिट द लैंड ऑफ मिरेकल्स। चलो भाई हिल पे चढ़ाई कर देते हैं अब, और सामने बंदर दिख रहे हैं। लो जी टाइगर आ गए दो, और बीच में देवी आए हैं, बिल्कुल साफ एरिया है, बिल्कुल गंदगी कहीं नहीं दिख रही है। और ये राइट साइड में बना रखा है कैफ़े टाइप, यहाँ बैठ के आराम से खा सकते हो तुम, और यहाँ लेफ्ट से होने वाली है शुरू सीढ़ियाँ वगैरह। तो ये है देखो, यहाँ से 1260 सीढ़ियाँ चढ़नी है भाई, 1260 बहुत होती हैं, बोलने के लिए कम है पर है बहुत। आगे भी मूर्ति लगी हुई है, तो पहले सीढ़ियाँ कवर कर देते हैं यार अब। और ये देख लो ऊपर चढ़ने से पहले मैं ऐसा हूँ अभी, और अब यहाँ से 1260 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद कैसा हूँगा वो भी दिखाता हूँ आपको। चलो देख लो भाई, पहले वार्निंग दे रखी है ऊपर स्मोकिंग ना करें, और टाइगर केव टेम्पल डॉग्स प्लीज़ हेल्प अस, डॉग्स को तो कहीं भी हो उनको हेल्प करो यार। ये देखो बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, अभी तो 20-30 सीढ़ियाँ हैं, पता नहीं हालत क्या होने वाली है भाई, हालत ख़राब हो रही है अब तो, काउंटिंग भूल गया कितनी सीढ़ी चढ़ी है, पर अभी शुरुआत ही है, मतलब खड़ी सीढ़ियाँ यार, एक नॉर्मल होती है ना स्लोप में सीढ़ियाँ वो चढ़ी जाए, तुम ये देखो बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है, ये तो फिर भी थोड़ी नीचे है, पीछे वाली सीढ़ी है तो बिल्कुल खड़ी थी, तो बहुत ख़राब हालत होने वाली है। और ये देखो इतनी जल्दी हम इतने ऊपर चढ़ गए हैं, जबकि कोई इतनी सीढ़ी नहीं चढ़ी अभी तक हमने। हाँ ये देखो पीछे खड़ी सीढ़ियाँ यार, मतलब हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई है ना कि हिलता हुआ शरीर अपने आप को फील हो रहा है कि शरीर हिल रहा है। लेग्स का पूरा वर्कआउट होने वाला है, कम से कम 4-5 महीने का वर्कआउट लेग्स का एक साथ हो रहा है लेग्स का। चलो यार जबानी फिसल रही है,
भाई पता नहीं है कि हाफ भी की है या नहीं की, पर पूरा जंगल वाला एरिया आ गया और सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं और बच्चा भी चढ़कर उतर के आ गया। पता नहीं आधे रास्ते से ना भाग जाऊँ मैं क्योंकि बहुत टायरिंग है, पर कोई नहीं हम कर सकते हैं। क्या व्यू है यार, अभी और बचा है, बहुत स्टीप है यार अगली वाली चढ़ाई, चलो करेंगे भाई। फाइनली दिखने लग गया है कुछ सेट टाइप, पर मेरे को लगता है यहीं पे सीढ़ियाँ भी ख़त्म है। ये भाई भी करके आए हैं, बोल रहे हैं अच्छी जगह है भाई, वर्थ है, तो ऊपर चढ़ के देखते हैं और ऊपर चढ़ के हालत दिखाऊंगा यार, अभी नहीं दिखा रहा। ये डॉग वेट कर रहा हमारा, तो भाई ये है फाइनल व्यू। और ये देखो हालत बिल्कुल ख़राब, हाँ पता था मुझे यही होने वाला है। ये देखो यार क्या बढ़िया व्यू है, बिल्कुल जो नीचे से देखा था ना उतनी ऊपर है भाई, फिर नॉर्मल में नहीं आ पाएगा भाई, यंग हो तो ही आ सकते हो और फिट हो तो ही आ सकते हो। वो देखो हवाई जहाज, इतने ऊपर से हवाई जहाज भी स्लो दिख रहा है, थोड़ी तेज़ी नहीं चल रहा भाई, ऐसा लग रहा है एक ही जगह पर उड़ रहा है। नाइस, जो भी क्राबी में आ रहा है ना उसे यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए क्योंकि ख़तरनाक व्यू है। मतलब तुम ऊपर आके देखोगे ना, अभी मैं दिखाऊंगा फ़ोन में, ये दिखा चुका हूँ, इतना तुम्हें नहीं पता चलेगा, पर तुम यहाँ पे आओ बहुत ही ख़तरनाक व्यू है। बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है, पर वर्थ है, एक एक चीज़ वर्थ है, एक एक सीढ़ी वर्थ है। चलो एक बार पूरा राउंड लगा लेते हैं, पूरा देख लेते हैं पूरा क्या क्या है ये। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पर शेड है अभी नीचे, नहीं तो एकदम से धूप होती है ना तो बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है। वैसे तो यहाँ पे ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, तो एक बार भाई देखो सर झुका के चलना पड़ रहा है क्योंकि सर ऊपर गया बैठ जाएंगे, पर ये देखो यहाँ तो ये देखो क्या बढ़िया सीढ़ियाँ हैं, रास्ता ही नहीं कोई भी आगे से क्या रास्ता होगा क्योंकि ऊपर भी लोग हैं मैंने देखे हैं, तो ऊपर चलते हैं एक बार भाई ऊपर चल के भी देख लेते हैं क्योंकि ऊपर भी है एरिया। ये देखो सीढ़ियों पर चलते हुए मुझे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि एक बार मैं लद्दाख में गिर चुका हूँ सीढ़ियों पर चलते हुए। यार क्या ही व्यू है और बहुत तगड़ी धूप है, ये देखो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार। आओ यार बस एक ही वर्ड कहूँगा, आओ आओ बस। ये देखो पूरा शहर है, क्राबी है, टाउन है, जो भी है, टाउन शहर सेम बात होती है, पूरा दिखता है यार दूर दूर तक, मतलब प्लेन जिस हाइट पर उड़ रहे हैं ना प्लेन भी दिखते हैं, इतना ऊँचा है ये भाई। 5 में से 10 स्टार्स दूंगा, ये डिज़र्व करता है ये स्पॉट, और तुम्हारी मेहनत करवाएगा तो और ज़्यादा डिज़र्व करता है क्योंकि अगर तुम किसी जगह पे मेहनत करके निकलते हो पहुँचते हो तो तुम्हें वो चीज़ और ज़्यादा वर्थ लगती है अगर वो अच्छी निकली तो, और अगर अच्छी नहीं निकलती तो तुम गाली देते हो। तो एक घंटे रुक के यहाँ के व्यू के नज़ारे ले लिए, अब नीचे उतरते हैं क्योंकि दूसरी जगह भी जाना है और व्यू देखने के बाद मज़ा आ जाएगा, तुम्हारा दिल खुल जाएगा, तो बस तुम भी देख लो आके। वैसे मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, फिर से दिखा देता हूँ उतरने से पहले, बहुत ज़्यादा सुंदर है यार, मतलब अब तक की ना बेस्ट हाइक लगी मुझे, मतलब जितने मैंने व्यू पॉइंट देखे ना उसमें से सब बढ़िया सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट यही था। ये देखो कितनी स्टीप सीढ़ियाँ हैं, तो उतरना आसान होता है, उतर जाते हैं फिर। चलो भाई उतर तो जल्दी जा रहा हूँ पर अभी पैर चलने में ना काँप रहे हैं क्योंकि इतना चल गया, देखो भाई खड़े खड़े भी काँप रहे हैं, तो ज़्यादा हो गया क्योंकि उतरना तो बहुत आसान है, रुक नहीं रहा उतरते टाइम, पर फिर भी लेग्स आर शेकिंग मैन। एक बात और यार, अगर ऐसी चढ़ाई वगैरह पे तुम्हारे साथ कोई ना हो ना तो बहुत लंबी पड़ जाती है चढ़ाई, पड़ी थी मुझे जाते वक्त, पर अब उतरते टाइम मेरी इससे बात हुई है, रशिया से है ग्रासिया, तो बात करते करते निकल रहे हैं, पर भाई बहुत थकान है, पर ये ज़्यादा नहीं थक रही भाई, मैं ज़्यादा थक रहा हूँ उल्टा। वी आर नॉट एंडिंग, इसको लग रहा है कहीं मैं बार बार फिर से बैठना चाहूँ, भाई मैं थक गया हूँ तो बैठने का मन कर रहा है बार बार, ये क्यों नहीं थक रही यार। चलो यार ये अंग्रेज़ अलग ही बने होते हैं यार। भाई वापस आ गए हैं, यहीं थे और यहीं से ऊपर गए थे और यहीं पे वापस आ गए, पैर पूरी तरह से कांप रहे हैं, मैं भूल भी नहीं पा रहा हूँ, पर आ गए यार, हालत ऐसी है देखो, फर्स्ट और लास्ट। अब यहाँ से निकलते हैं
और देखते हैं आगे क्या करना है यार, क्योंकि अब चलने की हालत नहीं है। कल स्कूटी के पास पहुँचते हैं फिर देखते हैं। और ये देखो बंदा साइड में घूम रहे हैं और इतने ख़तरनाक नहीं है। ये देखो छोटा सा बच्चा भी है, मैं भी सबकी तरह बन गया हूँ। फोटो खींचो। तो देख लो यहीं से अंदर गए थे, यहीं से बाहर की तरफ जा रहे हैं। चलो यार भाई शेर फिर से आ गए। अब तो शेर सच्ची में अटैक भी कर देना मुझ पर, मैं भाग भी नहीं पाऊँगा, इतनी तेज़ ना पैर जा चुके हैं मेरे, ये सोच लो। नीचे ही सॉफ्टी वाले हैं तो इनसे सॉफ्टी ले आई। एक नंबर की आइसक्रीम, कोकोनट की आइसक्रीम डाल रखी है और इसको भी आइसक्रीम चाहिए भाई। इसको दो तीन लैंग्वेज आती है, ये देखो स्पेनिश में भी क्या बोल गया कुछ समझ नहीं आ रहा, रशियन तो समझ में आती नहीं है, पर हाँ इसको इंग्लिश अच्छी आती है, तो ये बात है, बात करने की आसानी है। तो अब अपनी स्कूटी पे बैठेंगे और बाय कह देंगे इस लोकेशन को। और ये देखो लास्ट बार देख लो इतने ऊपर गए थे हम और फिर वहाँ से नीचे आए हैं, बहुत हेक्टिक था, बहुत वो था, पर इसने सपोर्ट दिया है। अब निकलते हैं यहाँ से भाई। क्या पहाड़ है ये देखो, यहाँ रुका हूँ मैं और क्या ये देखो सीधे खड़े पहाड़ हैं, देख के ना एकदम से मज़ा आ जाता है, मतलब तुम भी आओ। तो इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था, वो भरवाने के लिए रुके हैं, पर नज़ारे देखो यार यहाँ से कितने कितने बढ़िया नज़ारे हैं ना, तुम मतलब देखोगे ना, तुम खुद देखो।